नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को पुष्पिता सिंह के चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने बनाया है पोहे के लड्डू। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए पहले ले लेते हैं एक कटोरी पोहे। अब हम ले लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई पर ऑयल डाल देते हैं और ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पोहे इस पर डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ऑयल पर डालते ही ये फूल गए हैं। अब इसको कढ़ाई से निकाल लेते हैं और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे के सारे पोहे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, सारे के सारे अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी ले लेते हैं पैन और पैन पर बस थोड़ा सा ही पानी डाल देना है। उसके बाद गुड़, और गुड़ को तब तक पकाते रहना है जब तक इसका कलर अच्छा सा लाल ना हो जाए। और ये देखिए, लाल होने के बाद एक चम्मच गुड़ ले लेते हैं और पानी पर डाल देते हैं। और ये देखिए, गुड़ जब ऐसे बन जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये लड्डू बनने के लिए गुड़ हो चुका है। अब जो पोहे फ्राई करके रखा था वो इस पर थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और गुड़ के साथ अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद इसको पैन से एक थाली पर निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और ज़्यादा ठंडा नहीं करना है वरना ये लड्डू नहीं बनेगा। बस उसी आप जैसे पकड़ सको ऐसा ही गर्म रखना है। अब इसमें से थोड़ा सा ले लेंगे और इसको लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, ये लड्डू बन चुका है। अब इसी तरह से सारे के सारे थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे और लड्डू बनाते रहेंगे। ये देखिए, और ये लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और ये देखिए, हमारे पोहे का लड्डू बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए, ये बहुत ही सख्त बना है। और ये देखिए, ऊपर से हम छोड़ रहे हैं फिर भी ये टूट नहीं रहा है। ये लड्डू बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये लड्डू आप लोग महीने भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नया कुछ रेसिपी लेकर। तब तक के लिए आप लोग आपका ध्यान रखिएगा।